अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं कुछ टाइम से कोचिंग सेंटर्स पे वीडियो बना रहा हूँ एंड विच इज अ पार्ट ऑफ माय सीरीज जो मैं हर साल कोचिंग सेंटर्स पे स्टार्ट करता हूँ, राइट। तो मेरा क्या सीन है ना, मैं पहले ब्रांड को देखता हूँ। देखो आप अनअकैडमी जैसा ब्रांड हो गया, वो तो ऑल ओवर इंडिया फेमस है, वो कश्मीर आ रहा है, इट्स ऑब्वियस कि अगर वो मुझे अप्रोच कर रहे हैं अनअकैडमी के बारे में तो मुझे सब कुछ पता है। देन मैं चेक करता हूँ उसकी फैकल्टी, ठीक है। उसके बाद आई बात पीडब्ल्यू की, पीडब्ल्यू का भी मैंने अच्छे से देखा, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया। तो मैंने वीडियो बनाया राइज पे, इसके बाद और एक कोचिंग सेंटर पे बनाऊंगा, उसके बाद और एक कोचिंग सेंटर पे बनाऊंगा। अरे यार देखो, मैं गलत तब था अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक कोचिंग सेंटर को प्रमोट कर रहा हूं और आपको ये बता रहा हूं कि नहीं आपको यहीं पे ज्वाइन करना है, चाहे आप कुछ भी करो मैं बता रहा हूं यहीं पे ज्वाइन करो, देन आई वाज रॉन्ग। लेकिन मैं हर एक कोचिंग सेंटर को प्रमोट कर रहा हूं जो मुझे लग रहा है कि प्रमोशन के लायक है, ठीक है। तो बाकी मैं ये कहीं पे ये नहीं बोल रहा कि मैं आपके घर आ रहा हूं कि बच्चा ये कोचिंग सेंटर है, यहां पे जल्द से जल्द रजिस्टर करो, ऐसे भर दो और जाके पढ़ दो वहां पे। मैंने कहीं पे ये मैंने क्लेम ही नहीं किया कि जिस चीज की प्रमोशन मैं कर रहा हूं वहीं पे जाना है। तो इट्स योर चॉइस कि आपको कहां जाना है कहां नहीं जाना है। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे, देखो जो भी हेटर्स हैं उनको हम साइड में रखते हैं अभी, बिकॉज उनकी कोई वैल्यू नहीं है मेरी लाइफ में, बिकॉज वो तो वेले लोग हैं यार, खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अब दूसरों को ये चाहते हैं कि वो भी कुछ ना करे, ठीक है। तो उनको हम साइड में रखते हैं बिकॉज वो कुछ लोगों के चेले होते हैं जो मतलब फैल रहे होते हैं, चाहे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप टेलीग्राम, बिकॉज उनके जो लोग हैं उनको ब्रांड्स अप्रोच नहीं कर रहे हैं, वो हमारी गलती नहीं है, राइट। एंड वल्लाही मेरी जो मोटिवेशन है ना वो ये चीज है कि देखो हमारे जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, देखो उनने कितना अच्छा काम किया, मतलब इट्स ऑब्वियस कि यार हमारे प्रॉफिट है वो, राइट। लेकिन अच्छा काम करने के बावजूद भी इस दुनिया ने कितना हेट दिया उनको, राइट, मतलब कितने लोगों ने उनके खिलाफ कौन कौन सी साजिशें की, राइट। तो मतलब उनके इतने हेटर्स थे, तो हम कौन सी चीज है यार, मेरे जितने हेटर्स हो ना आई लिटरली डोंट केयर, ठीक है, बिकॉज मेरी जो मोटिवेशन है ना, इस मोटिवेशन को इस दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। तो अब हम बात करते हैं इस वीडियो में आपके लिए कौन से बेस्ट कोचिंग सेंटर्स रहेंगे, चाहे हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, देखो अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो देन उसमें तो मैं कोई ये नहीं कहने वाला कि वो करो ये करो, सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यू अच्छा है ऑनलाइन में, ये मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ठीक है। पीडब्ल्यू को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोई भी हरा नहीं सकता, पीडब्ल्यू ऑनलाइन इज बेटर फॉर यू, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा ऑफलाइन आना चाहता है, देखो मैंने तीन कोचिंग सेंटर्स पे वीडियो बनाया एंड इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसमें मैं ब्रीफली बात करूंगा वेदांतु के बारे में। अब कोई बताएगा इसका तो पहला साल है आप प्रमोट क्यों करोगे, अरे यार जब मैं वहां पे फैकल्टीज वगैरह देखता हूं तभी जाके मैं वीडियो बनाता हूं, ठीक है। वरना अगर मैं अपनी डीएम्स दिखाऊंगा ना व्हाट्सएप डीएम्स, ऐसे कोचिंग सेंटर्स पड़े हैं ना, मतलब अगर मैं उनको प्रमोट करूं ना मेरी ही जेब भरेगी, आपका नुकसान है। लेकिन हम बात करते हैं ऑफलाइन में कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए। तो अभी अगर हम बात करें, पहले हम लोकल्स की बात करते हैं। लोकल्स में अगर हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैं आपको ऐसे वो रैंकिंग वाइज दे रहा हूं। अब मैं कुछ ये नहीं करूंगा कि आपको ये बताएगा अगर आप पहले रैंकिंग में किसी का नाम ले रहे हो तो उन्होंने आपको पैसे दिए होंगे, उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बताएं, पहले जो मैं लोकल्स में नाम लेना चाहता हूँ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं स्काई का लेना चाहता हूँ, ठीक है, सदाम सर का जो काई इंस्टीट्यूट है। तो वहां पे मुझे लगता है कि देखो स्टेबिलिटी भी है एंड वहां पे फैकल्टीज भी अच्छी हैं, अगर हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है। तो उसके बाद मैं नाम लेना चाहूंगा इमर्ज का, लेकिन स्टेबिलिटी का मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा आपको, बिकॉज उनका क्या सीन है, शुरुआत होती है दो हिस्से हो गए, तो उस चीज का आप देख लो, रैंक टू पे मैं उसको रख रहा हूँ, स्टेबिलिटी की कोई गारंटी मैं नहीं दे रहा, ओके। तो उसके बाद अगर हम बात करें नंबर थ्री पे आता है आपका नीट के लिए राइज, ठीक है। तो राइज भी आप ज्वाइन कर सकते हो नीट के लिए, तो बिकॉज मैंने उनका प्रीवियस ईयर का जो रिजल्ट देखा तो 30 प्लस सिलेक्शंस थी आउट ऑफ 105 स्टूडेंट्स कि 110 स्टूडेंट्स ऐसा कुछ, ये मैं सीधे रैंकिंग दे रहा हूँ, उसके बाद भी मैसेज नहीं करना बेस्ट कौन है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें जो हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें कौन सा बेस्ट है नीट के लिए, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं, देखो अभी तक जो मुझे मतलब जो मैंने एनालाइज करा है चाहे रिजल्ट्स की बात करें, ठीक है, तो मैं तो पहले नाम लेना चाहूंगा आकाश का अगर आपके पास बजट है तो, ठीक है। लेकिन आकाश के बारे में मैंने ये भी सुना कि कुछ डाउनफॉल चल रहा है, बट स्टिल मैं कॉर्पोरेट्स में बिकॉज उसको बहुत टाइम है यहाँ कश्मीरी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, ठीक, तो उसका मैं नाम पहले लेना चाहूंगा, ओके। तो उसके बाद अगर हम बात करें नंबर टू पे मैं रखना चाहूंगा वेदांतु को। अब आप रीजन बताओगे क्यों, देखो वहां पे मैंने जो देखा अमित और यादव सर, मतलब जिन्होंने आकाश में रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं, उसके बाद वो राइट वे इंस्टीट्यूट पढ़ाने गए, ठीक है, उन्होंने खुद का वो खोला था राइट वे करियर इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ नाम था, तो वहां पे वो पढ़ाने गए, तो अभी उनको वेदांतु ने एक्वायर किया। अब ऐसा नहीं है कि वेदांतु ने मुझे पैसे दिए इस चीज के लिए, ठीक है, ये मैं खुद से रैंकिंग दे रहा हूँ, ठीक है, फिर आपकी मर्जी है, बिकॉज जो वहां पे अमित और यादव सर है उन्होंने वो 710 वाली जो रैंक थी, मतलब जिसके 10 मार्क्स थे, वो उन्हीं की वजह से प्रोड्यूस हुई है यहाँ कश्मीर में, ठीक है। नंबर टू पे मैंने की बात वेदांतु की। तो अगर हम नंबर थ्री की बात करें, नंबर थ्री पे मैं रखना चाहूंगा कॉर्पोरेट्स में अनअकैडमी को, बिकॉज वहां पे भी फैकल्टी अच्छी है। नंबर फोर पे अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करें, वो मैं रखना चाहूंगा पीडब्ल्यू विद्यापीठ श्रीनगर को, बिकॉज मैं रिव्यूज देख के अभी रैंकिंग दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताओ जो मैंने वो प्रमोशन की थी दैट वाज जस्ट अ प्रमोशन, आपको आइडिया लगे कि किस कोचिंग सेंटर में क्या फैसिलिटीज है, क्या फैकल्टीज है, क्या आपको फीस स्ट्रक्चर रहेगा। मेरे एंड से मैंने खुद से उनको बोला है कि मेरे एंड से एटलीस्ट बच्चों को कुछ हेल्प होनी चाहिए, लाइक उनके फीस स्ट्रक्चर में कमी होनी चाहिए, ठीक है, उससे मुझे कोई फायदा नहीं है, ओके। तो ये तो रही कॉर्पोरेट्स की बात और मैंने लोकल्स की भी बात कर ली, ओके। अब अगर हम बात करें जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं लोकल्स की बात करूं, लोकल्स में मैं नंबर वन पे रखना चाहूंगा राइज को, बिकॉज जेई का आपको रिजल्ट पता है राइज से ही ज्यादा एनआईटीएंस आईआईटीएंस निकलते हैं, राइट। तो नंबर टू पे मैं रखना चाहूंगा जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इमर्ज को। तो वहां पे सेम चीज मैं बता रहा हूं कि स्टेबिलिटी फैक्टर मुझे नहीं पता कि कैसे क्या रहने वाला है, मैं तो यही दुआ करूंगा कि वो स्टेबल रहे, बच्चों के करियर पे फोकस करें अच्छे से, मतलब इस चीज को नेग्लेक्ट करें कि हमें ब्रेकडाउन करना है या डिवीजन वगैरह जो भी करना है
उस चीज़ को नेग्लेक्ट करके वो अच्छे से बच्चों के करियर पे ध्यान दें, ठीक है। तो नंबर 3 पे मैं रखना चाहूँगा फिर स्काई को, ठीक है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करें, मतलब जो नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, उसकी अगर मैं बात करूं, अगर मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, इट्स बिट कंफ्यूजिंग कि मैं किसको रख सकता हूं, लेकिन मैं नाम ले सकता हूं अनअकैडमी का पहले, उसके बाद मैं वेदांतु का नाम लेना चाहूंगा, एंड उसके बाद हम आकाश का नाम लेना चाहेंगे। बिकॉज अगर आप बताओ कि जेई में आकाश में भी सिलेक्शंस थी, लेकिन उस टाइम पे जो वेदांतु के जो उन्होंने एक्वायर किए हैं अमित और यादव सर, वो वहां पे पढ़ाते थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें नंबर 4 की, तो वही सेम पीडब्ल्यू विद्यापीठ श्रीनगर। तो आई होप कि आपको क्लैरिफाई हो गया होगा, आपको अब वो आइडिया लग गया होगा कि कहां पे मुझे एडमिशन लेना चाहिए। बाकी मैं दुआ करता हूं जो भी टीचर्स हैं वो पूरा का पूरा फोकस रखें, वो बच्चों के करियर का सोचे, ठीक है। ये नहीं कि अब हमें ब्रेकडाउन करना है, अब लड़ाई करनी है टीचर्स को आपस में, फिर अलग होना है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी यही बताऊंगा, मेरी चैनल पे जो मुझे ठीक लगे ना, मैं वो अपलोड कर दूंगा। आपको उस चीज की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। आपके माँ बाप का जो ड्रीम है ना, आप उस पर ध्यान दो। मेरा ड्रीम जो है ना, उस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ, उस पर मेरे माँ बाप ध्यान दे रहे हैं, तो आपको उस चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मुझे इस चैनल पर क्या चढ़ाना है, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से चलता आ रहा हूँ, इससे आगे भी चलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। साथ ही साथ मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बोले कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो किस कोचिंग सेंटर में जाने का प्लान है आपका, ठीक है। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज अब 50K के बहुत नजदीक है, हम जस्ट 500 सब्सक्राइबर्स चाहिए, इट्स नॉट अ बिग डील। आई होप कि आप इस चीज को 500 से सीधा अब वो 50K कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है इस वीडियो के बाद हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।